हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी नर्सिंग। गाइस कैसे हैं आप सब लोग? गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 बज रहे हैं और हम सो गए थे हम लोग दिन में, अभी उठे हैं एक एक करके। ये देखिए ये जानकी दर्श दोनों टीवी देखने में लगे हुए हैं। दर्श हेलो करो, हेलो करो। जानकी हेलो करो, जानकी को लगी है भूख तो मैं जानकी को बना के दे रही हूँ आलू का पराठा, और आलू के पराठे के साथ साथ मैं बना रही हूँ चाय। तो आलू का पराठा तो जानकी खाएगी, बस ये पोटैटो रखा था। सुबह मैंने बनाई थी आलू की सब्जी, तो गाइस उसी में से मैं ना जब भी आलू की सब्जी कुछ ऐसा बनाती हूँ तो एक आलू ना उबाल के रख लेती हूँ अलग से बच्चों के लिए, क्योंकि इनका भरोसा नहीं होता है, इनको भूख लगती है तो कुछ ना कुछ इनको दे देती हूँ। तो वही आलू का पराठा इनको बना के दे रही हूँ। तो आलू का पराठा बनाने के लिए मैं आलू को छील रही हूँ, और इसके आलू को छील के पहले घिस लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी, ये देखिए फ्रेंड्स एक ही आलू था, इस तरीके से मैंने इसको घिस लिया है। एक ही पराठा बनाना है तो मैं डालूँगी पहले चाट मसाला। एक्चुअली मैंने ये अचार के छोटे छोटे डिब्बे आते हैं ना, उसमें मैंने ये करके रख लिया है, तो उसमें मैं डालूँगी चाट मसाला और थोड़ा डालूँगी काली मिर्च, क्योंकि ज़्यादा वैसा पराठा नहीं बना सकती चटपटा, सादा सिंपल ही पराठा वो खाती है, काली मिर्च। और थोड़ा सा डालूँगी नमक स्वाद अनुसार, हल्की सी डालूँगी अजवाइन, क्योंकि आटा दिन का रखा है, आटे में अजवाइन नहीं है, रोटी बनाई थी वही आटा रखा हुआ था, और लाइट चली गई इसलिए थोड़ा सा काला काला सा आपको मेरी वीडियोस दिखेगी। तो फटाफट से मैं बना रही हूँ पराठा। अब मैं इनको इसको मिक्स करके मैं इसको एक पेड़े की तरह बना लूँगी। मैं पराठा बनाऊँगी बड़ा सा, तो मैं इसको एक ही पेड़ा बना लूँगी पूरे पोटैटो को, पोटैटो का, क्योंकि मैं बस एक ही पराठा बड़ा सा बनाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से रोटी की तरह हम इसको बेल लेंगे, और इस पेड़े को जो हमने ये आलू का पेड़ा बनाया है इसको रख लेंगे, ये देखिए। और अब मैं इसको इस तरीके को हम इसको इसे मोदक बनाते हैं ना, इस तरीके से कर लेंगे, और जितना भी एक्स्ट्रा आटा होगा उसको हम इस तरीके से निकाल देंगे। ऐसे करने से हमारा पराठा बिल्कुल फटेगा नहीं, इतना बड़ा हम पराठा बड़ा सा बनाएंगे। जब भी जानकी घर में होती है उसे पराठा वराठा चाहिए, मैं एक ही पराठा उसको बना के देती हूँ बड़ा सा। इधर मेरी चाय भी बन रही है, तो पराठे के साथ साथ मैं बना रही हूँ चाय। शाम का टाइम है ना, शाम को तो चाय चाहिए ही होती है, तो इसको मैं बेल लूँगी हल्के हल्के हाथों से। ये देखिए गाइस बिल्कुल पराठा मेरा फटेगा नहीं। कुछ लोगों का आलू का पराठा कुछ लोग बनाते हैं उनका फट जाता है, आलू बाहर झांकने लगते हैं, तो इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं फटेगा, आप कितने भी आलू उसके अंदर डाल सकते हैं। तो देखिए एकदम बड़ा सा पराठा बनाऊंगी, आधा दर्श थोड़ा सा दर्श खाएगा उसमें से, और थोड़ा जानकी, दोनों दोनों अलग अलग बनाने से अच्छा है दोनों का एक ही बना दिया, फिर उसमें बीच में से कट कर दूंगी दोनों को दे दूंगी। आलू का पराठा बच्चों को पसंद ही होता है। देखिएगा इस मेरा पराठा एकदम, मैं आपको दिखाती हूँ अपना पराठा, ये देखिए बिल्कुल नहीं कहीं से नहीं फटा, अब ये बनने के तैयार। तो गाइस देखिए हमारा पराठा बन के रेडी, और बच्चों का पराठा मैं घी में बनाती हूँ, क्योंकि कितना होता है मतलब कोशिश करती हूँ मैं बच्चों का खाना ज़्यादातर मैं घी में बनाऊँ, बाल मेरे कैसे हो गए। और मेरी चाय भी बन के रेडी, चाय तो बस हम हस्बैंड वाइफ ही पियेंगे। देखिए मेरी चाय भी उबल चुकी है और मेरा पराठा भी बन के रेडी हो गया है। तो इस तरीके से आप आलू का पराठा बनाएंगे तो कभी आपका आलू का पराठा फटेगा नहीं, आपको उससे कंप्लेंट नहीं होगी। तो मेरा गरम गरम पराठा रेडी, और अब जानकी को दे रही हूँ। सॉस से खाना है, ऐसे खाना है?
ऐसे ही खाना है। ठीक है, क्या क्या हुआ? ये देखिए क्या हुआ, ये भी वेट कर रहा है पराठे का। तो गाइस देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको गरम गरम पराठा। ये है मेरा गरम गरम पराठा आलू का। तो गाइस चलिए, मेरी चाय भी बन गई, मैं करती हूँ चाय। हम हस्बैंड वाइफ पियेंगे चाय, बच्चे खाएंगे पराठा, और मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पराठा गर्म है, जानकी को ऐसे ही खाना है, ना सॉस चाहिए ना। कौन खाएगा ये पराठा, कौन खाएगा? गर्म है, किसको खाना है, जानकी को या दर्श को? आपको? और भैया आप खाओगे? मना कर रहा है, नहीं खाओगे आप? ये मुंह पे क्या लगाए? तो चलिए, इन लोगों की मस्ती चलती रहेगी, हमें फटाफट से चाय कर लेती हूँ। अभी सो की उठी, देखिए मैं जब काजल लगा लेती हूँ ना, ऐसे ही रहता है, बहुत मुश्किल होता है काजल छोड़ना। एक आँख का तो थोड़ा निकल गया है, एक आँख में है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।